आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ चिकन के मिर्ची कबाब, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होंगे और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए जी बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल ईट विद टेस्टी बाइट। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन माइंस यानी कि चिकन का कीमा ले लिया है, बोनलेस चिकन लिया था, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, 1 टी स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टी स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और 1/2 टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर का पाउडर ऐड करा है यानी काली मिर्च का, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें गिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 लार्ज साइज़ के अनियन को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, बहुत ही बारीक आपने चॉप करना है वो ऐड करा है, 1 टमाटो को मैंने चॉप कर लिया है, उसके सीड्स को आप निकाल देंगे और सीड्स और पल्प्स को निकालने के बाद फिर उसको बारीक चॉप कर लेंगे। 1 हैंडफुल मैंने धनिया और पुदीना लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया है और उसको भी इसमें ऐड कर दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा बना लेंगे मसाला कीमे के साथ। कीमे में आपका किसी भी तरीके का कोई पानी नहीं होना चाहिए, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ब्रेड के लिए थे जिनको ब्रेड क्रम्स बना लिया है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे जितना आपको ज़रूरत लगे और बस इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे जो अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है आपकी अनियन और टमाटो का तो वो ये ऑब्जर्व कर लेगा। यहाँ पे इसको रख देंगे साइड में। हमारा कीमा बन के रेडी हो चुका है, अब इसके हम बॉल बना लेंगे छोटे छोटे या जिस शेप का भी आपको चाहिए, क्योंकि ये कच्चा कीमा है तो ये इसके थोड़े से हम बड़े बॉल बनाएंगे क्योंकि ये पकने में थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। ऐसे एक टिक्की बना लेंगे जैसे कि हम कबाब की टिक्की बनाते हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटी टिक्की बनाएंगे क्योंकि हमारी जो वेजीज पड़ी हुई हैं वो निकल नहीं जाए इसलिए। तो यहाँ पे हमारी सारी टिक्कियाँ बनके रेडी हो चुकी हैं कबाब की, लेकिन क्योंकि ये मिर्ची कबाब है तो इस पे हम ऊपर से मिर्ची लगाएंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च को, बड़ी साइज़ की हरी मिर्च थी उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो हम इसके ऊपर ऐसे लगा करके और हाथ से प्रेस कर देंगे जिससे ये पूरी तरह से इसमें सेट हो जाए। देखिए कितने मज़ेदार और ख़ूबसूरत से हमारे कबाब की टिक्कियाँ लग रही हैं। अब चलते हैं, हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही आसान है इस रेसिपी को बनाना और टेस्ट में तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पे करीब मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था जिसको अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है और उस पर वह अपने कबाब को सेकेंगे अच्छे से। दोनों साइड से 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस के फ्लेम को आपने लो रखना है क्योंकि कच्चा कीमा है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि चिकन बहुत जल्दी पक जाता है। तो इसको एक साइड से हो जाने के बाद जैसे ब्राउन स्पॉट आ जाएंगे दोनों साइड हम चेंज कर देंगे और फिर दोनों साइड से 2 से 3 से 4 मिनट आपने अच्छे से पकाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने और बहुत ही फ्लेवरफुल टेस्ट के साथ बने हैं। तो इसको ये देखिए हम निकाल लेंगे साइड में और बस इसको हरी धनिया की चटनी और सैलड के साथ सर्व करेंगे। आप अपनी पसंद की किसी भी राइस के साथ या पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धनिया पुदीने की चटनी बनाई थी उसके साथ मैं एंजॉय करूँगी। तो बहुत ही टेस्टफुल और फ्लेवरफुल कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। तो आई होप व्यूवर्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।